देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे ये। तो गाइज अभी आप प्रीव्यू में जिस वीडियो को देख रहे हैं, इस तरह का वीडियो आप भी अपने मोबाइल फोन से काइन मास्टर ऐप की मदद से बना सकते हैं। तो गाइज अगर आप इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइज सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से नंबर 2 वाले 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ कोने से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से नंबर 3 वाले एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से नंबर 2 वाले को फिल स्क्रीन कर देना है। यहाँ ऊपर देखेंगे तो इसका टाइमलाइन जो है 4 तक कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको मीडिया पे जाना है और मीडिया पे जाने के बाद आपको अपनी गैलरी में चले जाना है और गैलरी में जाने के बाद वहाँ से आपको 6-7 फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है अपने हिसाब से, जितना बड़ा आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो गाइज मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से 6-7 फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइज अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने 6-7 फ़ोटो को ऐड कर लिया है। इस प्रकार से आपको भी यहाँ पर 6-7 फ़ोटो को ऐड कर लेना है। उसके बाद वीडियो के शुरू में आ जाना है। यहाँ पे देखेंगे तो फ़ोटो के बीच में प्लस का आइकन आ रहा है, जहाँ पे आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्टोर वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक इफ़ेक्ट को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक वाइप। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक वाइप मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको डाउनलोड कर लेना है और इस पर क्लिक करना है और यहाँ से नंबर 2 वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद अभी यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो प्लस वाला आइकन आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको फिर से इलेक्ट्रिक वाइप वाले ऑप्शन पे चले जाना है इफेक्ट पे, और जाने के बाद यहाँ से नंबर 2 वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से राइट कर देना है। अभी आपको क्या करना है, सभी प्लस वाले आइकन पर इलेक्ट्रिक वाइप वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो मैं यहां से कर लेता हूं सभी पे। तो गाइस अभी आप यहां पर देख सकते हैं मैंने सभी फ़ोटो पर इफेक्ट को ऐड कर लिया है। यहां से आप कोई भी अपने पसंद का कोई भी इफेक्ट को यहां पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहां से राइट कर देना है। राइट करने के बाद अभी आप देखेंगे तो हमारा जो इफेक्ट है बिल्कुल लग चुका है। अभी आपको वीडियो के शुरू में आ जाना है और लेयर पे चले जाना है। उसके बाद आपको चले जाना है मीडिया पे और मीडिया पे जाने के बाद आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पर आपको मिलेगा लाइटिंग इफेक्ट वीडियो, उसे डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर ऐड कर लेना है कुछ इस प्रकार से। ऐड करने के बाद अभी इसको क्या करना है, इस प्रकार से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद अभी साइड से थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से नंबर 2 वाले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अभी साइड से थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नंबर 4 पे आपको मिलेगा स्क्रीन का ऑप्शन, आपको इसे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है, अभी वीडियो के लास्ट में आ जाना है। उसके बाद साइड से सबसे ऊपर आ जाना है, कैंची वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ से कर देना है ट्रिम टू राइट। इतना करने के बाद यहाँ से राइट कर देना है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लाइटिंग इफेक्ट है वो लग चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ कोने से इस वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना है। यहाँ वाले कोने में ऑप्शन वाले पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने हिसाब से कर लीजिएगा, इस लाइन को हाई रहने देना है, सेव एज वीडियो पर क्लिक कर दीजिएगा और यह वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइस जब तक वीडियो गैलरी में सेव हो रही है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पर इसका जो है मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी आप देखेंगे तो हमारा जो वीडियो या गैलरी में सेव हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद एक बार ही फिर से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से नंबर 2 वाले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अभी आपको चले जाना है इमेज असिस्ट पर और यहाँ से ब्लैक कलर का एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे इसी लेयर पे क्लिक करना है और इसका जो ड्यूरेशन है आपको बढ़ा लेना है वीडियो तक, जहाँ तक हमारा पहला वीडियो था वहाँ तक इसे कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो के शुरू में आना है और यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको लेयर पे जाना है और मीडिया पे चले जाना है।
मीडिया पे जाने के बाद आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिलेगा ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो, उसे डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर ऐड कर लेना है कुछ इस प्रकार से। ऐड करने के बाद अभी साइड से थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से नंबर दो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्रोमा की का ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है और यहाँ पे देखेंगे ये जो लिखा है 28 इसको जो पूरा 50 कर देना है, 50 कर देना है। उसके बाद यहाँ से राइट कर देना है, राइट करने के बाद लेयर पे जाना है और मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद अभी आपने जिस वीडियो को गैलरी में सेव किया है उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। ऐड करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसको जो कर लेना है थोड़ा सा छोटा और इसको यहाँ पर लाकर इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है। इसमें इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लाकर एडजस्ट कर देना है। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद अभी यहाँ से राइट कर देना है। अभी आप देखेंगे तो हमारा जो वीडियो है वह कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइस अभी इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ कोने में स्पॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से फुल एचडी कर सकते हैं या फिर 720p पे एचडी पे कर सकते हैं। इस लाइन को पूरा का पूरा हाई रहने देना है, सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है और यह वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।